हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू फ्रेश न्यू वीडियो। तो आई होप यू आर लाइकिंग द वीडियोस, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं हाइट ग्रोथ के ऊपर एक सीरीज लाऊंगा, सो उसी के तहत मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं। तो आज का टॉपिक है कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू ग्रो योर हाइट, क्या बेस्ट एज है, ठीक है। तो उसके बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। छोटा सा वीडियो होने वाला है, बहुत ज़्यादा आपको इससे इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, तो लास्ट तक देखना। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने, बिकॉज इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और क्या होगा, इन फ्यूचर जब भी मैं हाइट रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूँगा तो आपको मिलेगा, एंड जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो ये क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मेरा एज 13 साल है, मेरा 15 साल है, मेरा 18 साल है, मेरा 20 है, 25 है, क्या मेरा हाइट बढ़ेगा, मैं इतना हाइट से इतना हाइट तक पहुँचना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए, ताकि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन जो भी मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं उनको हेल्प हो, उनको जानकारी मिले, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आपका हाइट सबसे ज़्यादा जो डिपेंडेंट है आपके जेनेटिक्स के ऊपर, दैट इज़ 60%, 60-70%। बाकी 30-40% वो आपके हाथ में है कि कैसे आपने इतना दिन डाइट लिया था, आपने कितना फिजिकल एक्टिविटी किया, इन द सेंस कि कितना आपने एक्सरसाइज किया, और आपने कैसा रेस्ट लिया, आपका स्लीप पैटर्न कैसा है, तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो जेनेटिक्स को तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन बाकी जो मैंने कहा 30-40% वो आपके हाथ में है। तो बेस्ट एज क्या है हाइट बढ़ने के लिए, तो फॉर बॉयज़ इट इज़ 13-18। जैसे ही वो प्यूबर्टी हिट करते हैं, उनका बियर्ड आना स्टार्ट होता है, उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स ग्रो होता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उनका ग्रो होता है, फिर उनका वॉइस चेंज होता है, तो उस टाइम उनका हाइट भी ग्रो होते रहता है और बहुत रैपिड। एंड 18 से 20 साल का जो एज गैप है, इसमें भी आपका हाइट ग्रो करता है, लेकिन बहुत कम, नेग्लिजिबल, आपको पता भी नहीं चलेगा, हो सकता है इतना आपका हाइट ग्रो होगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो बहुत लेट प्यूबर्टी हिट करते हैं 18 साल के एज में, तो वो क्या करते हैं, मीन्स 21, 22, 23 साल तक भी उनका हाइट ग्रो होता है, जो लेट प्यूबर्टी हिट करते हैं। अगर आप प्यूबर्टी जल्दी हिट कर देते हैं 13, 14 साल में, 15 साल में, देन आपका 18 साल तक हाइट ग्रो करेगा। लेकिन अगर आप लेट प्यूबर्टी हिट करते हैं, सपोज आपने अभी तक प्यूबर्टी हिट नहीं किया है, देन आप 18 साल के बाद भी अपना हाइट ग्रो कर सकते हैं। और एक चीज़ जो मैटर करता है, वो आपका डाइट। अगर सपोज आप 13 से 18 साल के बीच बहुत अच्छा तगड़ा डाइट ले रहे हैं, जिसमें डाइट में आपका प्रॉपर प्रोटीन रहे, विटामिन मिनरल्स जो जो आपके बॉडी को चाहिए, आपका वाटर इंटेक सही है, आप प्रॉपरली फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, मतलब एक्सरसाइज करते हैं, फिर आपका रेस्ट सही है, देन क्या होगा, आपका हाइट में एक बूस्टअप मिलेगा, चिंगारी मिलेगा। अगर आपने लकड़ी में अगर आपने आग जलाया, ठीक है, उसमें अगर केरोसिन डाल देंगे तो कैसे चिंगारी जलता है, तो सेम उस तरह यही टाइम है कि आपका हाइट ग्रो करेगा। और अगर इस टाइम आप सब कुछ सही करते हैं, प्रॉपर डाइट लेते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर रेस्ट लेते हैं, आपका हाइट ग्रो बहुत ज़बरदस्त तरीके से करेगा। अब बात करते हैं गर्ल्स के बारे में, तो गर्ल्स का कब हाइट ग्रो करेगा, बिटवीन 10-14 ईयर्स एज, ठीक है, यही एज है जिसमें वो मैक्सिमम हाइट ग्रोथ करते हैं, यही टाइम में वो प्यूबर्टी हिट करते हैं। 8 से 13 साल के बीच में गर्ल्स प्यूबर्टी हिट करते हैं, उसके बाद उनका हाइट ग्रो करता है, तो यही एज है। और सेम कंडीशन अप्लाई करता है कि आपका डाइट क्या है, एक्सरसाइज क्या है, कैसे आप रेस्ट ले रहे हैं, तो यही सब डिपेंड करता है। अगर आप थोड़ा लेट प्यूबर्टी हिट करेंगे, देन आपका हाइट ग्रोथ जो होता है थोड़ा बाद होगा। तो मैं अब आपसे कुछ पर्सनल बात करना चाहता हूँ, जो मेरे और आपके बीच बात है, कि जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं हाइट ग्रोथ के ऊपर एक सीरीज लाऊंगा, तो वो सीरीज चल रहा है अभी, कंटिन्यूस हाइट ग्रोथ के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ आने वाला है, तो आप लोग नोटिफिकेशन बेल को हिट करके रखना। और जिनका हाइट ग्रोथ नहीं हो रहा है, अगर आपके जो फ्रेंड सर्कल में किसी का हाइट ग्रोथ नहीं हो, तो उनको वीडियो शेयर करिए, ताकि वो देखें और कुछ सीखें, बिकॉज आजकल का डाइट बहुत ख़राब है, आजकल के बच्चे एक्सरसाइज नहीं करते हैं, रेस्ट पैटर्न सही नहीं है। तो वीडियो को शेयर करें, और मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो हाइट ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे की टॉपिक्स, तो एक वीडियो में बताना बिल्कुल भी मीन्स इट इज़ इम्पॉसिबल, आई कांट से। तो इसके लिए मुझे 40-50 वीडियोस लगेगा पूरा कवर करने के लिए, डाइट बताना है, क्या क्या खाना है, फिर हर एक फूड के बारे में एक्सप्लेन करना है, मैं बताऊंगा कि ये खाना खाना है, फिर कितना मात्रा में खाना है, फिर फुल डे वेटिंग में बताऊंगा, फिर मॉर्निंग में क्या खाना है, इवनिंग,
आफ्टरनून डिनर में क्या खाना है, क्या क्या डाइट लेना है, क्या क्या फूड्स खाना है, फुल डे वेटिंग, क्या 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 एक्सरसाइज करना है, कैसे करना है, प्रॉपर टेक्निक, बहुत सारे वीडियोस लाना है, क्या सप्लीमेंट कंज्यूम करना है, फिर मेडिसिन के बारे में कुछ नहीं बताऊँगा बिकॉज मेडिसिन होता ही नहीं है, हाइट ग्रोथ के लिए कोई भी मेडिसिन नहीं है, ओनली मेडिसिन फॉर हाइट ग्रोथ इज़ योर डाइट, एक्सरसाइज एंड रेस्ट, और हो सके तो थोड़ा बहुत सप्लीमेंट्स जो थोड़ा बहुत बूस्टअप देता है आपके हार्ट ग्रोथ को। तो मैं वीडियो कहीं पर एंड करना चाहता हूँ, जमकर सपोर्ट दिखाओ, फ्रेंकली मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि सपोर्ट दिखाओ। आप मुझे जब आप कमेंट करते हो ना इतना अच्छा अच्छा मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है मैं कह नहीं सकता। अभी दोपहर का लगभग 1:30 से 2 टाइम हो रहा है, धूप कितना आप देख सकते, कितना पसीना आ रहा है, लेकिन मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज कुछ लोग इतना अच्छा से कमेंट करते हैं तो मुझे जब मैं पढ़ता हूँ ना मेरा आँख से आंसू हो जाता है, और जिसके कारण से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, बहुत मोटिवेशन से बनाता हूँ एंड दिल से बनाता हूँ बिकॉज आप सब मेरे छोटे भाई बहन हो एंड आपको टेक केयर करना मेरा एक धर्म है, ये मेरा एक मतलब भगवान ने मुझे भेजा होगा कि आपके लिए वीडियोस बनाऊँ, आपको कुछ बताऊँ एंड मुझे अच्छा लगता है। सो शेयर करना वीडियो को, लाइक करना चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर, नोटिफिकेशन बेल को हिट करना, उससे क्या होगा जब भी मैं फ्यूचर वीडियोस अपलोड करूँगा तो आप देखना। एंड मैं और एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आप मेरे भाई बहन हो तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हो हार्ट ग्रोथ को लेकर, देन आप मीन्स बॉडी वेट वर्कआउट करो ज़्यादा घर पर, सबसे बेस्ट है। जब आप अपने मसल्स को ट्रेन करेंगे, बॉडी मसल्स को ट्रेन करेंगे, लोग कहते हैं ना कि जिम करने से आपका हाइट ग्रोथ रुक जाएगा, ये सबसे बड़ा मिथ है। वो लोग क्या सोचते हैं कि पीठ में अगर वेट ले, अगर कोई बंदा पीठ में अगर वेट लेता है देन उसका हाइट दब जाएगा, ये चीज़ सोचता है, लेकिन बिल्कुल भी केस ऐसा नहीं है। मीन्स इतना ज़्यादा अंधविश्वास फैल चुका है दुनिया में जिसके कारण हमारा कुछ तरक्की नहीं हो रहा है, बिल्कुल पूरा अंधविश्वास है। वेट लिफ्ट करने से उल्टा आपका हाइट ग्रोथ ज़्यादा होता है बिकॉज जब आप वेट लिफ्ट करते हो तो आपका बॉडी ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है, आपका बॉडी ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। आप रनिंग कर लो, आप स्विमिंग कर लो, आप साइकिलिंग कर लो, आपका बॉडी उतना ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं करेगा, लेकिन आप वेट लिफ्टिंग करना स्टार्ट करो। अगर आप जिम पर वेट लिफ्टिंग नहीं करने जा रहे, आप घर पर ही पुशअप्स, बॉडी स्क्वाट, चिन अप ये सब लगाना स्टार्ट करो, आप देखना आपका हाइट 2x स्पीड से बढ़ेगा। ये मैं लिख देता हूँ, अगर आप कहेंगे कि कहीं पे लिख दो तो मैं लिख दूंगा और वहाँ पर सिग्नेचर कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, मैं आपको हर एक स्टेप में गाइड करूँगा, आप मुझे बस मोटिवेट करो वीडियोस बनाने के लिए और मैं तो आपको मोटिवेट करता ही रहूँगा, ठीक है। और मैं मसल बिल्डिंग के ऊपर सीरीज लाऊँगा, मसल बिल्ड अगर करेंगे तो हार्ट ग्रोथ भी होगा, बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है। मैं वो चीज़ आपको बाद में समझाऊँगा कैसे इंटरलिंक्ड है मसल बिल्डिंग एंड हार्ट ग्रोथ, बहुत ही ज़बरदस्त एक टॉपिक है, ठीक है, जिसके बारे में अच्छे से बात करना चाहता हूँ। एंड अपना फिजिक भी तैयार करो बिकॉज हाइट के साथ साथ अगर आपका फिजिक अच्छा है देन आप बस कहो मत, आप नेक्स्ट लेवल लगोगे, ठीक है, नेक्स्ट लेवल, टॉप क्लास जिसको कहते हैं। हाइट है, अगर आप मोटे हो ऐसे वो भी काम नहीं बनेगा, आप पतले हो वो भी काम नहीं बनेगा, लेकिन अगर आपके वाइड शोल्डर्स है, चेस्ट बाहर निकला हुआ है, एब्स है, थाइज अच्छा है, देन आपका बॉडी बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। सो मैं वीडियो को यहीं पेंट करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल पीस बाय, टेक केयर, सपोर्ट करते रहना, लव यू।